महोबा में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे पर चोरों की नजर है। रैकी कर लाखों कीमत के लोहे की पाइप चुराने वाले सक्रिय अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। जनपद की दो थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरोह के 15 सदस्यों को गिरफ्तार कर चोरी के पाइप सहित DCM वाहन और दो कार भी बरामद की है। पकड़े गए सभी चोर गैर जनपद के निवासी हैं। पुलिस की इस कामयाबी पर SP ने पुलिस टीम का हौसला बढ़ाते हुए प्रशंसा जाहिर की है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे, इससे आप लोग विदित हैं कि ये हर जनपद में इनका युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। इसी के तहत महोबा में भी इनका कार्य चल रहा है। महोबा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गैंग एक्टिव है जो कि इस परियोजना में यूज होने वाले पाइप्स की चोरी करता है और उनको ले जाकर दूसरे प्रांतों में बेचता है। इस तरह की सूचना प्राप्त होने पर कोतवाली पुलिस और अजनर दोनों को ये जानकारी प्राप्त हुई थी। लगातार इसमें जो है ये लोग मुखबिरी कलेक्ट कर रहे थे। कल मुखबिर की बहुत ही सटीक सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक में इस तरह के चोरी के पाइपों को ले जाया जा रहा है। इसके इंटरसेप्शन करते हुए इस ट्रक को पकड़ा गया, जिसके अंदर से ये लोहे की पाइपें कई सारी इसमें बरामद हुई और इसमें दो लोग, दो गाड़ियां भी मिली हैं। इन सब टोटल मिलाकर के 15 लोग जो हैं, जिसके अंदर 2-3 मास्टरमाइंड और बाकी सब लेबर वगैरह सब इन्वॉल्व होकर इसको ले जा रहे थे और इनका इरादा था कि इसको बाहर जाके बेचेंगे और जो भी इसमें पैसे प्राप्त होंगे उनको आपस में बांटेंगे। माल की कीमत क्या मैं बताऊं? जब इसमें जो माल की कीमत है वो लगभग 2 लाख रुपीज अभी तक जो है वो सामने आई है। बाकी इसका अन्य मूल्यांकन किया जा रहा है। जो इसमें मेन बात सामने निकल कर आई है कि ये जो गैंग है ये आसपास के जनपदों में, मतलब बांदा और चित्रकूट, इन सब इलाकों में भी एक्टिव रहा है पूर्व में और अभी इन्होंने पहली बार रुख महोबा की तरफ किया था और बहुत जल्दी ही इनको जो है पकड़ लिया गया और आज इनको जेल भेजा जा रहा है। इस तरह से ये एक अच्छी कार्रवाई महोबा पुलिस द्वारा की गई। मैम, कब से सक्रिय था ये गैंग यहाँ पर काम करने? महोबा में ये अभी पहली बार इनका आगमन हुआ था, जैसा कि पहली बार इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। आगे विवेचना में फर्दर देखा जाएगा कि कहीं इनका पहले से आगमन तो यहाँ पे नहीं हुआ था, लेकिन आसपास के जनपदों में ये एक्टिव रहे हैं।